Hey, what's up guys? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉच प्रॉब्लम के बारे में Asus Zenfone Max Pro M2 में, जो कि हमें जापान अपडेट के बाद देखने को मिला था, बट कुछ लोगों को इंडियन अपडेट के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं इसका रीज़न बताऊंगा और आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी ऐसा कोई हेल्पफुल वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सॉल्यूशन मेरे को आप में से एक सब्सक्राइबर ने जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें कमेंट करके बताया था, वाई थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना फ़ोन में दिखा देता हूँ। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर मेरे को नॉच जो प्रॉब्लम था वो अपने फ़ोन में आ रहा था। अभी मैं अपने फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर अभी कोई भी इशू नहीं है नॉच का। तो सबसे पहले जो है आप रोटेशन को ऑन कर लेते हैं। वैसे मैंने रोटेशन ऑन कर लिया और अभी आप देख सकते हो फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे लाने पे भी यहाँ पर नॉच जो है कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने इसको दोनों तरफ से करके दिखा दिया, तो अभी आप देख सकते हो होम स्क्रीन में फ़िलहाल तो कोई भी ऐसा नॉच इशू नहीं है जो मैं पहले देखने को मिलता था। अब यूट्यूब पर भी एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो वैसे ये देखो, मैंने एक वीडियो प्ले कर लिया और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी कोई नॉच इशू नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, कुछ साइड पे भी नॉच इशू यहाँ पर हमें अभी देखने को नहीं मिलता है। तो यूट्यूब पे भी वीडियोस पे भी ये नॉच इशू नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम तो आप ये जो क्वेश्चन था वो अब क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं पबजी गेम में और देखते हैं पबजी में नॉच इशू है कि नहीं है। तो फटाफट पबजी को जो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं वीडियो को यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा, थोड़ा सा बस इसको फास्ट फॉरवर्ड जो है कर देता हूँ यहाँ पर। गाइस अभी आप देख सकते हो पबजी जो है वो लोड हो चुका है, ओपन हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नॉच इशू नहीं है। तो अब फाइनल हो चुका है कि नॉच इशू हमें जो है अभी इस फ़ोन में देखने को नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, नहीं होम स्क्रीन पर, नहीं वीडियो पर, नहीं पबजी गेम या फिर किसी भी गेम पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है जो मैं यहाँ पर इसका फुल स्क्रीन नेविगेशन बार जो जेस्चर था वो यूज कर रहा था, जो कि फ्लूइड नेविगेशन जेस्चर है उसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा था, उसके चलते ये प्रॉब्लम जो है आ रही थी। तो मैंने उसको जो इंस्टॉल कर दिया और अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नीचे की तरफ नोटिस करोगे तो जो राउंडेड कॉर्नर्स है वो गायब हो जाते हैं अगर आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड से फिर से पोर्ट्रेट मोड में लेके आते हो। तो इसका भी सॉल्यूशन है, आपको फ़ोन को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बट रिस्टार्ट करने के बाद फिर से अगर आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड से लेकर फिर से पोर्ट्रेट मोड में लेके आते हो तो फिर से ये कॉर्नर्स जो है वो अनइवन हो जाते हैं। तो ये एक मेन इशू था इस एप्लीकेशन के चलते, जो कि फ्लूइड नेविगेशन जेस्चर। लाइक इस अपडेट के बाद अगर आप फ्लूइड नेविगेशन जेस्चर यूज़ करते हो तो आपको नॉच का इशू फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो मैं यूज़ नहीं करूँगा, लाइक यूज़ तो करने का मन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बट यार इशू आ रहा है तो इसको यूज़ करने का बंद करना पड़ेगा। तो यही एक मेन रीज़न है। और अगर आपके केस में फ्लूइड नेविगेशन जेस्चर आपने इंस्टॉल नहीं करा है फिर भी आपके केस में नॉच प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो है केस पार्टीशन को बूट करके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो ये परफेक्टली काम करने लग जाएगा। तो गाइस इतना सा आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, छोटा सा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में बताना आपको क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए या फिर जो कुछ भी फीडबैक है आपका। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।